नमस्कार, एक बार फिर से लाइव आपका स्वागत कर रहा हूं। और जैसा कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि पिछले 5-6 महीने से मैं बहुत ही अनटच आपके माध्यम आपके बीच में से रहा हूं, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी थी। पर अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे आपके बीच में वापस उसी तरह से, उसी फ्लो के साथ में, उसी सोच और एक नई एक टेक्नोलॉजी के साथ में आपके बीच में राष्ट्रीय एकता बल के रूप में एक संगठन को, जो उसी तर्ज पर, उसी तरह से, जिस तरह से जीवन उत्साह न्यूज काम करता है या करता था, उसे और बेहतर तरीके से, पॉलिश तरीके से प्रस्तुत किया जाए। और क्योंकि देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब आप किसी भी व्हीकल से उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते हैं जिसमें उतनी ताकत नहीं है, तो फिर आपको व्हीकल चेंज करना ही पड़ता है। अब वो व्हीकल किसी भी रूप में हो सकता है। वो व्हीकल राष्ट्रीय एकता बल के रूप में हो सकता है, वो जीवन उत्साह के रूप में हो सकता है, या फिर आपकी सोच और आपके नई जो ऊर्जा है उसके साथ हो सकता है। ये फैसला सबका अपना अपना है, इसमें कोई भी दोराय नहीं है कि वो फैसला कौन करेगा। ये फैसला हम ही करेंगे। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा सा था जब हमारे पिताजी एक बात कहते थे कि बेटा, या तो परिस्थितियों से हार मानकर चुपचाप घर में बैठ जाओ, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर परिस्थितियों से आपको डर लगता है, परिस्थितियों से आप हार मान लेते हो या परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते हो, तो फिर आप चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। या फिर परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखो। साहब, ये फैसला ना मैं करूंगा ना आप करेंगे, ये फैसला हर उस व्यक्ति को खुद करना पड़ेगा जो इस समाज में जीता है। अगर आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उसको कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए कुछ आवाज उठा नहीं सकते, तो फिर आपको कोई भी अधिकार बोलने का नहीं है। फिर आपके साथ अन्याय हो, आपके साथ भ्रष्टाचार हो, आपको वो सहना ही पड़ेगा। या फिर उसके साथ लड़ने की ताकत बनाओ, उसको बदलने की हिम्मत रखो। ये सब फैसले हमें खुद करने पड़ेंगे। और रमेश शर्मा ने जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से जो भी करने का प्रयास किया, उसमें मुझे लगता था कि शायद वो उतना बड़ा नहीं कर सकता है जो एक आम आदमी की जरूरत है। और इसीलिए उस सारे प्लेटफॉर्म को बदलकर राष्ट्रीय एकता बल के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। अब ये प्रयास कितना सफल होता है, ये मैं नहीं तय करूंगा, ये हम सब लोग तय करेंगे जिन्हें इस संगठन की जरूरत हो सकती है। और ये तय भी आप ही करेंगे कि आपको इस संगठन की जरूरत है कि नहीं है। लेकिन ये संगठन के साथ जो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत छोटी सी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी छोटी सी शुरुआत में जिन लोगों से भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है, उन लोगों ने इस संगठन के काम करने के तरीके को अप्रिशिएट किया है। अब मैं इस बात को अभी प्रूव नहीं करूंगा, ये समय के साथ में आपको मैं प्रूव करता चलूंगा। क्योंकि जब जीवन उत्साह न्यूज ने बड़सर में काम शुरू किया था, ये मार्च 2019 में, तब लोगों ने ये क्रिटिसाइज जरूर किया था कि यार, कोई मीडिया फेसबुक पे हो सकता है, क्योंकि उस टाइम फेसबुक पे मीडिया नहीं था। लेकिन जीवन उत्साह ने एक शुरुआत की थी। मेरे खिलाफ बहुत सारे तथाकथित पत्रकारों ने थानों में कंप्लेंट कर दी थी, मेरे खिलाफ बहुत सारी शिकायतें कर दी थी, लेकिन हम उन शिकायतों से डरे नहीं, हमने उन शिकायतों के साथ डटकर मुकाबला किया। और मैं आपको बताऊं कि कोई इतना आसान नहीं था। इन मुकाबलों के बीच में हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए, जो इंसिडेंट बहुत पीड़ादायक थे। उन इंसिडेंट्स को, एक समाज के लिए काम करते हुए किसी को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि वो समाज के लिए जब व्यक्ति काम करता है, तो इस तरह के इंसिडेंट्स होना स्वाभाविक है। और ये पहले दिन से हमने मान लिया कि इस तरह की चीजें होंगी, इन सब चीजों को हम नहीं रोक सकते, ये होंगी, लेकिन इनसे लड़ने के लिए हम ताकत और तैयारी कर सकते हैं। और वो ही ताकत और तैयारी राष्ट्रीय एकता बल के रूप में जीवन उत्साह द्वारा की गई है। और मैं सर्वप्रथम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो राष्ट्रीय एकता बल के रेबल्स के रूप में आज जिन लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, दे आर द हाईली क्वालिफाइड पीपल्स एंड द वेरी मच एक्सपीरियंस पीपल्स, जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत जबरदस्त तजुर्बा है। मतलब मैं उनके आगे जीरो हूं।
जब मैंने उन लोगों के सामने इस बात को रखा, इस कंसेप्ट को रखा, इस समाज से जुड़े हुए संगठन के बारे में रखा, तो उन लोगों का जो प्यार था, उन लोगों का जो विश्वास था, वो मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला। और शायद मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि उन लोगों के तजुर्बे को मैं अपने जोश के साथ में, इस विश्वास के साथ में कहीं जोड़ पाया। देखिए, ना राष्ट्रीय एकता बल मेरी जरूरत है, ना जीवन उत्साह मेरी जरूरत है। ये जीवन उत्साह न्यूज भी आपकी ही जरूरत है, राष्ट्रीय एकता बल भी 100% गारंटी के साथ आपकी जरूरत है। क्योंकि मुझे अगर पैसा कमाने के लिए ही कोई संगठन चाहिए या कोई चैनल चाहिए होता या कोई काम चाहिए होता, तो आई एम हैविंग द वेरी मच सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द थिंग्स हाउ टू अर्न द मनी। उसके लिए मुझे किसी मीडिया की या किसी भी संगठन की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे या आपको इस संगठन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम और आप कभी भी अन्याय के शिकार हो जाते हैं। आप चाहे कितने मर्जी बड़े पैसे वाले हैं, आप कितने मर्जी एजुकेटेड व्यक्ति हैं, कोई ना कोई व्यक्ति आपके समाज में, आपके आसपास में, आपके परिवार में अन्याय का शिकार होगा ही होगा। और ऐसे में राष्ट्रीय एकता बल हम सबको प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है। राष्ट्रीय एकता बल आपकी बात को, आपके मुद्दे को, आपको न्याय दिलाने की 100% गारंटी देने की बात करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई न्याय कोर्ट में दिलाएंगे जाकर, हम मैं आपको न्याय दिलाने की बात कर रहा हूं आपके मौलिक अधिकारों की। आपके मौलिक अधिकारों के लिए इस संगठन को अगर एक होकर इकट्ठा होना पड़ेगा तो यह संगठन खड़ा होगा, निस्वार्थ निशुल्क खड़ा होगा। सर, आपसे कोई डोनेशन, आपसे पैसा नहीं मांगेगा। डोनेशन देना आपकी अपनी जरूरत है, आपकी इच्छा है, वो आप मर्जी से दे सकते हैं। और ये डोनेशन शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सर, जिंदगी में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो सकता। और ईमानदारी से पैसा आए समाज के सेवा के लिए लगाया जाए तो इससे बेहतर काम कोई हो नहीं सकता। भगवान राम को भी जब केवट द्वारा नाव पार कराई गई थी तो सर उसने अंगूठी मांग ली थी साहब। अब सोचिए आप। तो मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो आज एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने इस संगठन के बारे में कुछ समझा होगा, जाना होगा। दे आर हाईली क्वालिफाइड पीपल्स। कोई बिजनेस से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं, कोई पीडब्ल्यूडी से एसडीओ रिटायर्ड हैं, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेजिडेंट ऑफिसर रिटायर्ड हैं, कोई हिमाचल प्रदेश पुलिस से एसएचओ के रूप में रिटायर्ड हैं। अभी बहुत सारे लोगों का आना बाकी है। कोई समाज से भी हैं, कोई फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं जो घाट घाट का पानी पीकर आए हैं। उन्होंने इस संगठन के बारे में समझा है और समझा है इसलिए कैमरे पे आज खड़े हुए हैं। मैं जल्दी उन लोगों से आपको मिलाऊंगा भी, उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपके बीच में रखूंगा, उनका छोटा छोटा एक रिव्यू भी आपके बीच में रखेंगे व्हाई दे ज्वाइन द राष्ट्रीय एकता बल। तो राष्ट्रीय एकता बल एक ऐसा संगठन बन सकता है जो एक आम आदमी की जरूरत के लिए कहीं भी इकट्ठा हो सकता है, कहीं भी खड़ा हो सकता है। अगर आप इस संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अरे, आपका काम नहीं है, आपके पड़ोसी का हो सकता है, आपके किसी रिश्तेदार का हो सकता है, आपके जानकार का हो सकता है। मैं अकेला कभी नहीं कर सकता हूं, हम सब मिलकर कर सकते हैं। आज हमने एक पीडब्ल्यूडी का मुद्दा आपके बीच में रखा। इस मुद्दे को हम अब डिपार्टमेंट से बात करेंगे और डिपार्टमेंट इसके ऊपर क्या टाइम लेता है, कितने दिनों में इस काम को कर देता है, अब इस पे आगे हम चलेंगे। हमारा ये प्रयास है कि हर एक मुद्दा एक सिस्टमेटिकल तरीके से आपके बीच में रखा जाए और उस मुद्दे का समाधान भी आपके बीच में रखा जाए। अधिकारी से इस बात की जवाबदेही तय की जाए कि वो काम कितने दिनों में करेंगे। और अधिकारी बैठे किस लिए, इसलिए तो बैठे हैं साहब। अधिकारी कोई कुर्सी तोड़ने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को लेकर बहुत जरूरी समझना पड़ेगा कि यह संगठन कोई रमेश शर्मा का संगठन ना हो, यह संगठन हम सब का संगठन हो, आपके तजुर्बे का संगठन हो, आपकी सोच का संगठन हो, आपकी जरूरत का संगठन हो, आपके समाज का संगठन हो, आपके हर एक पहलू का संगठन हो जो इसकी हमें जरूरत पड़ती। कई बार हम अकेला फील करते हैं, महसूस करते हैं कि यार काश के मेरे साथ 10 लोगों का टीम खड़ा होता, 10 लोग खड़े होते और आज हम कहीं अपनी बात रख पाते। ज्यादातर लोगों के मुद्दे इसलिए तो शॉर्ट आउट नहीं हो पाते, अकेले रहते हैं। राजनीति में कोई प्रेशर इधर से, कोई नेता का प्रेशर, उसका प्रेशर, इसका प्रेशर। राष्ट्रीय एकता बल सभी प्रेशर को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखता है, ये बात आपको भरोसा दिला देता हूं। और बिना किसी
डरे, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी राजनीति के आपकी बातों को आपकी समाज के बीच, सरकार के बीच में रखा जाएगा। ये तो शुरुआत है। इस शुरुआत को हम कहां तक ले जा सकते हैं, ये आप और हम मिलकर तय करेंगे। इसलिए इस संगठन के साथ आप चलिए। आह्वान है मेरा, आपका नेक कमाई, आपका थोड़ा सा डोनेशन, आपका इस संगठन के ऊपर विश्वास हजारों लोगों की जिंदगी में एक परिवर्तन ला सकता है। और आज ये संगठन बड़सर से शुरू हुआ है, ये संगठन पूरे देश के अंदर जाकर आपको एक नई पहचान और हर आदमी को न्याय दिलाने की बात कर सकता है। ये नॉन पॉलिटिकल संगठन होगा, यहां पर राजनीतिक कोई भी किसी तरह से राजनीति का कोई रोल नहीं होगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि मेरा व्यक्तिगत और इस संगठन में जो हायर लेवल के लोग होंगे राजनीति में कहीं नहीं जाएंगे। अगर कभी कोई आदमी राजनीति में जाएगा तो संगठन से वो बिल्कुल रिजाइन करके ही राजनीति में जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति छोटे स्तर पर गांव में, पंचायत में, ब्लॉक तक अगर कोई आदमी प्रधान का, उपप्रधान का, वार्ड पंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं आप 6 काम करने के बाद में, तो हमें कोई इतराज नहीं होगा, वो लड़ सकता है, हमारी कोई भी इतराज नहीं होगा। लेकिन बड़े स्तर पर किसी भी तरह से ये संगठन मैं राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं चाहूंगा और ना ही मुझे लगता लोग चाहते होंगे। तो भरोसा आप लोगों को करना है, इस संगठन के साथ जुड़ना है। इस संगठन के साथ आप अपने गांव की, अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ रखें, अधिकारियों के साथ भी रखें। और अगर आपको लगता है कि ये संगठन वहां पर आपके साथ कोई मदद कर सकता है तो आप उसमें आप आगे बढ़े। यहां पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है, चतर सिंह जी ने कहा मुझे जोड़े भाई जी। और चतर सिंह जी नीचे अंब नहरिया में भी आए। सर अंब में हमारी रेबल्स की कमेटी लगभग तय हो चुकी है और मुझे लगता है कि मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आप मुझे संपर्क कर लें 8626945177 पर, मैं आपको कॉन्टेक्ट करा दूंगा और वहां पर हमारी रेबल्स की कमेटी के साथ आप जुड़ सकते हैं, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। हमारी रेबल्स की वहां कमेटी शुरू होगी ये काम करने वाली। और वहां पर क्योंकि मैं व्यक्तिगत अभी प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा हूं, हालांकि मैंने कमेटी आपको प्रेजेंट किया था, लेकिन अब आपको उस कमेटी में वर्किंग भी दिखेगी। और वहां तो एक प्रधान के खिलाफ भी FIR करवा दी गई है, उनके करप्शन को सामने लाया गया है। जल्दी मैं कोशिश करूंगा, मैं थोड़ा सा अभी व्यक्तिगत नहीं बाहर जा पा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी अभी थोड़ी सी उस परिस्थिति से निकल रही है, जो थोड़ा सा समय उसको अभी और लगेगा 10-15 दिन 1 महीना, उसके बाद हम फुल फ्लैश तरीके से राष्ट्र एकता बल को आगे लेकर चलेंगे। ब्लॉक लेवल पर रेबल्स बनाएंगे, रेबल्स की कमेटी ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट पे जाएगी, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे जाएगी और स्टेट से नेशनल कमेटी पे भी हम धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे। इट विल टेक सम टाइम, हमारी कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जिस मुद्दे पे भी जाएंगे उस मुद्दे को शॉर्ट आउट कराने के बाद ही अगली बात करेंगे। रेबल्स कमेटी जहां बनेगी वहां के मुद्दे उठाना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग आप में से जो इंटरेस्टेड है वो प्लीज आए, राष्ट्रीय एकता बल को जीवन उत्साह न्यूज के इस मंच पर प्रेजेंट करें और इस संगठन के साथ जुड़े। जीवन उत्साह न्यूज समाज के लिए काम करने का एक माध्यम है जो राष्ट्रीय एकता दल के माध्यम से काम करे। जी बिल्कुल, तिलकराज जी कह रहे हैं पंचायत में सब ठीक नहीं है। सर सब ठीक हो जाएगा, आप संगठित हो जाइए। जब एक डिपार्टमेंट में एक जगह पर 20 रेबल्स पहुंचेंगे ना साहब, और वो भी एक्सपीरियंसड, तो बड़ी बड़ी पंचायतें और बड़े बड़े BDO ठीक हो जाएंगे साहब। ये करप्शन भ्रष्टाचार जो मचाया हुआ है, ये कहीं ना कहीं समाज को एक होने के बाद में, क्योंकि अभी आप अकेले डरते हैं क्या करूं मैं, किसके पास जाऊं, मेरा वो दुश्मन बन जाएगा, वो दुश्मन बन जाएगा। अब कोई आपका दुश्मन नहीं बनेगा सर, राष्ट्रीय एकता बल की पूरी रेबल्स कमेटी 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 50 लोगों की रेबल्स कमेटी तो ब्लॉक में कम से कम भी हम बनाएंगे ही बनाएंगे। और जो रेबल्स होंगे उनको एक पहचान और एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन पूरे डिपार्टमेंट के अंदर मीडिया के साथ में एक अप्रोच के साथ हम देंगे, ताकि वो लोग भी समाज में लोगों के काम करवाने के लिए काम करें। तो बहुत एक अच्छी पहल है आप लोगों के विश्वास की, आप इसके साथ हमारे साथ आए बने। और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो राष्ट्रीय एकता बल .org पर जाकर, हमारी गूगल पर सर्च करें वेबसाइट पर, तो आप कर सकते हैं। यहां पर संदेश कुमार जी, भाई जी एक सच अगर 10 झूठ का सामना करने की कोशिश करता है तो लोग उसको ही बेवकूफ समझते हैं। देखिए सर, लोग क्या समझते हैं उसको भूल जाइए, आप क्या समझते हैं उस पर काम कीजिए। लोगों के समझने से कुछ नहीं बनता। लोग मेरे बारे में बहुत कुछ समझते होंगे, लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें सोचते समझते होंगे, बट मैं अपने बारे में क्या सोचता समझता हूं मैं उनसे बेहतर जानता हूं। इसलिए मैं लोगों की परवाह नहीं करता, मैं खुद की परवाह करता हूं कि मैं कहीं गलत ना हो जाऊं। तो
फिर एक बार आप लोगों का धन्यवाद, इस तरह से जुड़िए। अब मैं कोशिश करूंगा कि रोज एक दो बार लाइव आकर और कुछ मुद्दों पर आपके बीच में चर्चा करता रहूं, क्योंकि लाइव आना थोड़ा इजी होता है घर पे। अब थोड़ा मेंटली मैं फ्री हुआ हूं तो लाइव आना इजी हो जाता है। आपकी भी अगर कोई शिकायतें हैं तो आप हमें भेजना शुरू कीजिए। जहां पर हमारी रेबल्स कमेटी नहीं होगी वहां पर मैं व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से कॉल करके प्रयास करूंगा आपके समाधान कराने का, और जहां हमारी रेबल्स कमेटी बनती जा रही है वहां पर आपके मुद्दों को ग्राउंड पे जाकर हम लोग उठाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संगठन के साथ आप जुड़िए, विश्वास रखिए, हम आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे और एक नए संगठन के रूप में, एक ऐसी ताकत के रूप में समाज के अंदर एक उदाहरण पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।